मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में आजकल फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती करना ये आम बात हो गई, लेकिन ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर आपको हनी ट्रैप में भी फंसाया जाता है और आपसे पैसे भी वसूली की जाती है। ऐसे खबरें अक्सर सामने आती हैं। आपको बता दें कि एक ऐसा मकड़ जाल है, इसमें फंसने के बाद आदमी काफ़ी परेशान हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया में आपको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उसके बाद आप अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वीडियो कॉल के जरिए कोई भी लड़की का प्रोफाइल लगाकर आपसे बातचीत की जाती है, ऐसी अश्लील हरकतें की जाती है और आपसे कपड़े उतरवाने की वीडियो कॉल के जरिए कोशिश की जाती है। अगर आप वीडियो कॉल के जरिए कपड़े उतार देते हैं तो उसी वीडियो को लेकर ये आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपसे पैसे जो है पैसों की डिमांड करते हैं और कई लोग पैसे दे भी देते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो पुलिस स्टेशन और भी अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं और जो है इस पर केस करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इस हनी ट्रैप से लोगों को बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक मामला सामने आने के बाद PSI हर्षद काले ने लोगों से आह्वान किया है कि वो इस तरह के हनी ट्रैप से सावधान रहें। PSI हर्षद काले ने जानकारी देते हुए वीडियो के जरिए बताया है कि उनके कजिन भाई के यहाँ एक लड़का काम करता था और वो भी इसी तरह के हनी ट्रैप में फंस गया और 50,000 रुपये की उससे डिमांड की गई थी। जब वो 50,000 नहीं दे पाया तो उसने उसी घर में चोरी कर ली जिस घर में वो काम करता था। हालांकि ऐसे हनी ट्रैप में फंसने की वजह से कई लोग अपनी बदनामी होने की वजह से वो डर जाते हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग इतने डर जाते हैं कि अपनी जान तक भी दे देते हैं। लेकिन लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप इस तरह की हनी ट्रैप में ना फंसें, इसलिए आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो बेहद ही सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें। आपको बता दें PSI हर्षद काले ने लोगों को क्या आह्वान किया है, किस तरह का अवेयरनेस दिया है, आप उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनें। जय हिंद ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हर्षद काले। 2 दिन पहले मैं अपने गांव गया था और एक अजीब इंसिडेंट मैंने देखा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। काफी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। गांव में मेरा कजिन भाई है, उसके घर में चोरी हुई और चोरी करने वाला उसी के घर में काम करने वाला एक 22 साल का लड़का था। और उसने चोरी इस वजह से की कि एक 8 से 15 दिन पहले उस लड़के के साथ फेसबुक पे एक हनी ट्रैप हुआ। अभी आपको हनी ट्रैप के बारे में शायद पता होगा कि कुछ लोग फेक लड़कियों का फोटो या फिर फेक प्रोफाइल से आप लोगों को मैसेज करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहीं ना कहीं बहुत से लोग इसको सच मान के वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनसे बातें करने लगते हैं। और बहुत कम टाइम में सामने वाले जो भी फेक लोग हैं वो लोग आपको वल्गर चैट करके आप लोगों को गलत तरीके से कपड़े उतारने के लिए कन्विंस करते हैं। और मैंने देखा है कुछ लोग रेडी भी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये सच है, क्योंकि बहुत सारे मैंने पुलिस स्टेशन में ये सब एक्सपीरियंस किया है। तो फिर वो कपड़े उतारने के बाद वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड की जाती है, पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता है और कुछ टाइम के बाद सामने वाले जो लोग हैं वो आपको वो वीडियो सेंड करके आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप लोगों को पैसे की डिमांड की जाती है, आपको डराया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आप ये चीजों को सच मानकर पैसे दे देते हैं। और अगर पैसे देने से इनकार किया तो 2 दिन के बाद आप लोगों को एक फोन आता है कि मैं दिल्ली से CBI ऑफिसर बोल रहा हूं, CID ऑफिसर बोल रहा हूं, आपकी कोई कंप्लेंट हमारे पास आई है कि आपने किसी लड़की के साथ कोई स्कैंडल किया है और ये कंप्लेंट हमारे पास आने के बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो फिर आप डर जाते हैं और फिर आप पूछते हैं कि सर इसमें क्या रास्ता है, तो सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको ब्लैकमेल करता है कि ठीक है आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे,
उसके बाद हम आपको इसमें से निकालेंगे। तो दोस्तों ये सब गलत है, ये सारी चीजें फ्रॉड है। तो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट और अवेयर रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर आपको इस तरह का कोई चैट या इस तरह का कोई मैसेज रिक्वेस्ट आती है तो ठीक है, आप एक्सेप्ट कीजिए, हर कोई फेक नहीं है। लेकिन अगर वो मैसेज अगर इस तरह से आता है कि बहुत कम टाइम पे कोई सामने वाली लड़की आपसे वल्गर चैट करना स्टार्ट करती है या फिर आपको इस तरह से बात करती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको डाउट क्रिएट करना चाहिए। आपको भी लगना चाहिए कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो आप तुरंत एक तो उसको ब्लॉक कीजिए या फिर आप बता दीजिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग विद यू, तो बात खत्म हो जाती है। और दूसरी बात, अगर ये चीज आपके साथ होती भी है तो आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब फ्रॉड है, ये जो आपको ब्लैकमेलिंग की जाती है। आपको पता है इस ब्लैकमेलिंग की वजह से कितने लोगों ने तो अपनी जान भी दे दी है, सुसाइड किया है, बिकॉज उनको नहीं पता है कि ये सब चीजें गलत है, झूठी है, फ्रॉड है। उनको सच में ऐसा लगता है, क्योंकि सामने वाले लोग आपको डराते हैं कि ये वीडियो हम लोग वायरल कर देंगे, आपके जो फ्रेंड लिस्ट है आप सबको हम लोग सेंड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं शर्म से या डर से लोग सुसाइड भी करने लगे हैं। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये सब झूठ है, कोई वीडियो वायरल नहीं होता है, क्योंकि उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। वो जो भी डिमांड पैसों की करते हैं, उनका टारगेट होता है कि दिन में हम लोग 100 लोगों को ये सब चीजें ट्रैप करेंगे, कहीं ना कहीं एक दो लोग या 10 लोग तो भी हमें कुछ पैसे दे देंगे। तो ये इनका जस्ट एक टारगेट है। तो प्लीज बी अवेयर। और आपने इस इंसिडेंट में देखा क्या हुआ कि एक गांव में रहने वाला मेरे भाई के घर में काम करने वाला 22 साल का लड़का वो इस ट्रैप में फंस जाता है। अब वो बेचारा गरीब लड़का कहां से 50,000 रुपया लाएगा? तो उसने क्या सोचा कि मैं कहां से लाऊं पैसे? तो उसने उसी घर में काम करने वाले अपने मालिक के घर में उसने चोरी की। तो दैट इज नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं वो कानूनन वो चीजें पुलिस स्टेशन तक चली गई, उस पर केस हो गया, अरेस्ट हो गया। और उसका एक जो रिलेशन था, जो उन्होंने बचपन से उसको अपने घर पे बेटे जैसा रखा, वो भी स्पॉइल हो गया। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है आप अपने सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, सब जगह पे शेयर कीजिए, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि आज की डेट में ये सब चीजें बहुत देखने को मिल रही है। एज अ पुलिस ऑफिसर मैंने खुद भी ये सब चीजें बहुत फेस की है, देखा है, बहुत सारी केसेस मैंने ये सब देखे हैं। तो काफी टाइम से मैं सोच रहा था आप लोगों से शायद शेयर करूं, बट मैंने अभी खुद 2 दिन पहले मेरे गांव में ये इंसिडेंट देखा, तो मैंने सोचा अभी इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, बिकॉज इसमें एक ही बात है, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये स्कैम क्या है, ये फ्रॉड क्या है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इससे दूर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।